मैं डॉक्टर पीके वर्मा, आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और शिक्षकों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले सेशन में आपने पढ़ा कि किस प्रकार डीएनए के एक स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए के स्ट्रैंड्स पर न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा में जो कुछ भी लिखा रहता है उसी को आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की ही भाषा में दोबारा लिखा जाता है, इसलिए इस विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ दोबारा लिखा जाना यानी रीराइटिंग होता है। तो हम लोग देखें एक ब्रीफ में कि आरएनए सिंथेसिस क्या था और सिंथेसिस के बाद न्यूक्लियस में बनने वाले हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या प्रो मैसेंजर आरएनए का कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे ये फाइनली काम के लायक बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा आपने पढ़ा कि इट इज कॉपीइंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन डीएनए इन द सेम स्क्रिप्ट दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स इन ए जीन। इसका मतलब जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की भाषा में जो लिखा हुआ उसका कॉपी बनाना है, और कॉपी क्या बनता है, फ्रॉम डीएनए टू ए आरएनए स्ट्रैंड। अब ट्रांसक्रिप्शन जीन के एक्सप्रेशन का, जीन के काम करने का पहला स्टेप माना जाता है, जिसमें कि आरएनए का सिंथेसिस होता है, और यह सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की मदद से होता है। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर एक कोर एंजाइम है जिसका निर्माण पांच पेप्टाइड चेन से हुआ है, अल्फा टू, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। इसमें ओमेगा सबसे छोटा प्रोटीन है। इसमें जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो एक होलो एंजाइम बनता है। अब यह होलो एंजाइम प्रोमोटर पर जुड़कर आरएनए का सिंथेसिस कराता है और अंत में इसका चेन टर्मिनेशन हो जाता है। इस डायग्राम में यहाँ एक एंजाइम दिखलाया गया, इधर से डीएनए अंदर जा रहा है, इसके दोनों हेलिक्स को अलग अलग किया जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया जाता है। अब उसके एक चेन, इस डायग्राम में लाल कलर का चेन है जिस पर कि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ते चले जाते हैं, ए के सामने यू, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, और एंजाइम उन्हें जोड़ जोड़ करके आरएनए का चेन बनाते जाता है। तो प्रारंभ इसका 5' टर्मिनल की ओर से और अंत इसका 3' टर्मिनल की ओर से होता है। अब यहाँ देखिए प्रारंभ में सिग्मा फैक्टर जुटा हुआ रहता है, यानी यह होलो एंजाइम होता है। बाद में सिग्मा अलग हो जाता है और कोर एंजाइम आगे बढ़ते हुए आरएनए बनाते जाता है। अंत में रो फैक्टर की मदद से टर्मिनेशन हो जाता है, यानी आरएनए अपने टेम्पलेट से अलग हो जाता है। अब कुछ जीन में एक स्ट्रैंड पर डीएनए से आरएनए बनता है तो कुछ जीन में दूसरे स्ट्रैंड पर डीएनए से आरएनए बनता है। फर्क यही है कि अगर एक स्ट्रैंड का प्रोमोटर बाईं ओर है तो दूसरी जगह पर यह प्रोमोटर दाहिनी ओर होगा, यानी एक केस में बाएँ से दाएँ सिंथेसिस हो रहा है तो दूसरे केस में दाएं से बाएं सिंथेसिस होगा। अब मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कैन इन्वॉल्व मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहने का मतलब, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार जीन जब ऑन हो जाता है तो आगे पीछे कई सारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ते चले जाते हैं और हर एक एंजाइम अपने अपने हिस्से से एक एक आरएनए का निर्माण करता है। इस तरह कम से कम समय में अधिक से अधिक आरएनए बन जाया करता है। अब जैसे ही आरएनए का थोड़ा सा हिस्सा बन जाता है,
कि इसके 5 डैश टर्मिनल पर यानी 5 प्राइम टर्मिनल पर एक 7 मिथाइल गुआनिन का कैप, एक टोपी लग जाती है, एक ढक्कन लग जाता है जिसमें 7 मिथाइल गुआनिन होता है और इसका निर्माण गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा होता है। इस कैप के कारण राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम 5' टर्मिनल की ओर से मैसेंजर आरएनए को डैमेज नहीं कर पाता है, काट नहीं पाता है, तोड़ नहीं पाता है, यानी एमआरएनए एक तरफ से सुरक्षित हो गया। अब आरएनए बनता चला गया, इतना सा जब आरएनए बन गया तो इस पर यह एंजाइम गुआनाइल ट्रांसफरेज आकर जुट गया और इसने यह मिथाइल गुआनिन को आके इस पर जोड़ दिया, मिथिलेटेड गुआनिन को आकर इस पर जोड़ दिया। अब टर्मिनेशन के बाद पीछे के तरफ से यानी कि 3' टर्मिनल की ओर से एक लंबा सा चेन एडिनिन 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 यानी पॉली एडिनाइलेशन होता है, एक लंबा सा पॉली एडिनिन का चेन इसमें आके जुड़ जाता है। तो इसका एक बड़ा फायदा है कि जब 3' टर्मिनल की ओर से राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए को नष्ट करना चाहेगा, पचाना चाहेगा, तो पहले इस पॉली एडिनाइलेट चेन को वह पचाएगा। इसके पचने से, इसके डाइजेस्ट होने से आरएनए के फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब तक यह पॉली एडिनाइलेट चेन बहुत छोटा नहीं हो जाए तब तक आरएनए काम करते रहेगा। इसका नतीजा यह होता है कि जहाँ बैक्टीरिया में आरएनए का लाइफ मुश्किल से 2 मिनट होता है, वही यूकैरियोट में इसका जीवन 15 मिनट से कम नहीं होता है। तो यूकैरियोट में पॉलीएडिनाइलेशन जो है वह आरएनए सिंथेसिस का एक पार्ट हो जाता है। अब इस पॉलीएडिनाइलेट चेन का निर्माण डीएनए पर जुटे रहते हुए शायद ही कभी होता है। डीएनए से अलग होने के बाद अलग से पॉलीएडिनाइलेट सिंथेटेज एंजाइम आकर इस पर जुटता है, अलग प्रकार का यह प्रोटीन होता है और वह इस पर पॉलीएडिनाइलेट चेन का यानी एडिनिन के एक एक मॉलिक्यूल का बाद में जुड़ाव करता है। अब यूकैरियोट के लगभग सभी मैसेंजर आरएनए में एक और 7-मिथाइल गुआनिन का कैप लगा हुआ तो दूसरी ओर पॉलीएडिनाइलेट चेन लगा हुआ पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के मैसेंजर आरएनए में ये नहीं बनता है, नहीं पाया जाता है। ये हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? तो यही डीएनए को पैक करके और उसको क्रोमेटिड या क्रोमोसोम में बदलता है। तो इसके टर्मिनेशन के बाद जैसे बैक्टीरिया में रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हुआ था और एक हेयरपिन लूप बना था, उसी तरह का प्यूरिन रिच लूप बनता है जिसे हिस्टोन डाउन स्ट्रीम एलिमेंट कहा जाता है। अब आप एक डायग्राम के थ्रू देखिए, एक वीडियोग्राफ है हमारे पास जो मैंने YouTube से प्राप्त किया है और यह वीडियोग्राफ काफ़ी अच्छा है और आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल भी है। इसमें प्रोसेसिंग ऑफ प्रो एमआरएनए बताया गया है। Before mRNA can be used by ribosomes as a template for building proteins, it must first be processed. Key steps are the addition of a methylated cap and a polyadenylated tail. Involved in processing are RNA polymerase, cleavage factors, and poly-A polymerase. Processing of mRNA begins with transcription. Soon after RNA polymerase begins transcription,
A methylated cap is added to the 5' end. Transcription then continues to completion. Following completion, RNA polymerase releases the cap strand of pre-mRNA. Specific nucleotide sequences in the mRNA are bound by cleavage factors. The 3' end of the mRNA is next moved into the correct configuration for cleavage. Stabilizing factors are then added to the complex. Poly A polymerase now binds to the mRNA and cleaves the 3' end. The complex begins to dissociate and the cleaved 3' end quickly degrades. Poly A polymerase now synthesizes the polyadenylated tail by adding adenine residues to the cleavage site. Additional proteins then bind to the tail, increasing the rate at which it grows. When the tail reaches its full length, the poly A polymerase is signaled to stop adding residues, and the polyadenylation process is concluded. The processed mRNA is now ready to undergo splicing in preparation for translation. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में एक और बड़ा अंतर है कि यूकैरियोट के हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या प्रो एमआरएनए में यूजफुल और यूजलेस इन दोनों प्रकार के सेगमेंट्स एक दूसरे में मिक्सअप रहते हैं। यूजफुल लेंथ के बीच बीच में यूजलेस लेंथ पाया जाता है, तो जो यूजलेस लेंथ है उसको बोलते हैं इंट्रॉन और जो यूजफुल लेंथ है उसको बोलते हैं एग्जॉन। इस तरह के जीन को बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स आर कॉल्ड स्प्लिट जीन्स बिकॉज इट फॉर्म्स आरएनए इन विच इन बिटवीन कोडिंग सेगमेंट्स दैट इज यूजफुल सेगमेंट्स कॉल्ड एग्जॉन, सम नॉन कोडिंग सेगमेंट्स और द इंट्रॉन्स आर इंटरस्पर्स्ड, बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो आरएनए के इस प्रो मैसेंजर आरएनए फॉर्म से इस यूजलेस सेगमेंट यानी इंट्रॉन्स को काट काट के अलग करने और फिर यूजफुल पार्ट्स को यानी एग्जॉन्स को आपस में जोड़ने की क्रिया को स्प्लाइसिंग ऑफ प्रो एमआरएनए कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में टेलरिंग ऑफ प्रो मैसेंजर आरएनए या प्री एमआरएनए भी कहा जाता है। यह ब्लू कलर में इंट्रॉन्स है जो नॉन कोडिंग रीजन है और दूसरा ब्लू कलर में उसके नीचे एग्जॉन है जो कोडिंग रीजन है। तो एग्जॉन काम का हिस्सा है और इंट्रॉन बेकार हिस्सा है। इंट्रॉन को काटकर हटा देना है और एग्जॉन को जोड़ के मैसेंजर आरएनए बना देना है। तो इस तरह की क्रिया जो स्प्लाइसिंग की होती है वह आमतौर से न्यूक्लियस के अंदर उसमें एक न्यूक्लियोलस नाम की रचना दिखाई पड़ती है, वहीं पर यह हुआ करती है क्योंकि इसे कराने वाले एंजाइम्स और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। अब कई ऐसे भी मैसेंजर आरएनए हैं जिनके निर्माण में आरएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स यानी स्प्लाइसियोसोम की ज़रूरत होती है। इसे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो अब जब इससे एग्जॉन हट जाते हैं, इंट्रॉन अलग हो गए और एग्जॉन जुट के मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब इंट्रॉन को भी दो क्लासेज में बांटा गया है, क्लास वन और क्लास टू। क्लास वन में अपने आप स्प्लाइसिंग हो जाता है,
या आरएनए के टुकड़े राइबोजाइम का काम करते हैं और वे खुद ही स्प्लाइसिंग करा लेते हैं। यहाँ देखिए क्लास वन है, इसमें इंट्रॉन लाल रंग से बना हुआ है, ये इंट्रॉन अलग हो जाएगा और इंट्रॉन के अलग होने के बाद फिर जो एग्जॉन है ब्लू कलर में बने हुए, वे तीनों टुकड़े आपस में जुटकर मैसेंजर आरएनए बना लेंगे। तो देखा आपने ये तीन टुकड़े मिलके एक मैसेंजर आरएनए बन गए जिसमें तीनों एग्जॉन आपस में जुट गए हैं। दूसरा क्लास टू का केस होगा जब यह इंट्रॉन एक लूप की तरह मुड़ जाएगा और लैरियट नाम की रचना बनाएगा। अब यह लैरियट अलग हो जाएगा और एग्जॉन्स आपस में जुट के मैसेंजर आरएनए बना लेंगे। क्लास टू में ही कभी कभी स्प्लाइसियोसोम की ज़रूरत होती है। तो ये स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं? तो स्प्लाइसियोसोम बनाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर अलग से जीन होते हैं जो कि पौरी यूरासिल का बना हुआ, बहुत सारे सिर्फ यूरासिल मॉलिक्यूल से बने हुए आरएनए का निर्माण करता है। इन्हें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए SNRNA कहा जाता है। भार के आधार पर इन्हें U1, U2, U4, U5, U6 इत्यादि नाम दिया गया। अब इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और प्रोटीन के जुटने से स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स RNPs का निर्माण होता है। यही RNPs स्प्लाइसियोसोम नाम के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब यह स्प्लाइसियोसोम फिर से HNRNA या proMRNA पर काम करता है और उसे तोड़ करके अलग कर देता है, इंट्रॉन को हटा देता है और एक्टिव मैसेंजर आरएनए यानी कि फंक्शनल मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। फिर से समझिए इस प्रोसेस को कि न्यूक्लियस के अंदर पॉलीयूरासिल अलग अलग भार के हिसाब से U1, U2, U4, U5 और U6 प्रकार के स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। इनमें 100 से 300 तक न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और इनके जुटने से स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स ही स्प्लाइसियोसोम नाम की रचना बनाते हैं। यह स्प्लाइसियोसोम प्री मैसेंजर आरएनए पर एक्ट करता है और इससे इंट्रॉन को तोड़कर अलग कर देता है और इंट्रॉन के अलग हो जाने के बाद बचे हुए एग्जॉन आपस में जुटकर एक एक्टिव मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं, यानी अब यह ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार यह केमिकल स्ट्रक्चर दिखलाया गया है। क्लास टू में ही लूप बनाने के लिए बीच में एक एडिनिन मॉलिक्यूल है, वहीं पर आकर के यह 5' की ओर से टूटता है और टूटकर लूप बना लेता है, फिर लूप अलग हो जाता है और मैसेंजर आरएनए बनता है। इस डायग्राम में दिखलाया गया कि जैसे ही आरएनए का बनना शुरू होता है इसके 5' टर्मिनल पर यह कैप बन जाता है, यानी कि 7G मिथाइल कैप आकर के जुड़ जाता है। फिर बीच बीच से यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस के पहले ही स्प्लाइसिंग होने लगा, जितना हिस्सा आरएनए बन गया स्प्लाइसिंग हो गया, आपस में जुट गया, फिर दूसरे हिस्से में स्प्लाइसिंग हो गया, आपस में जुट गया। अब जब यह पूरा लेंथ बन जाता है, स्प्लाइसिंग भी हो जाता है, तब इसके पीछे से पॉलीएडिनाइलेट चेन जुट जाता है। यह 3' पर पॉलीएडिनाइलेट चेन है और यह जी मिथाइल कैप कहाँ जुटा था, तो यह 5' पर जुटा था। अब यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टपकर न्यूक्लियोपोर से होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इस तरह आपने आरएनए बनने की क्रिया और उसके मॉडिफिकेशन की क्रिया को समझा। इसके बाद हम लोग आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, यानी ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसकी विधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।